आज की वीडियो में कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट शैडो फोर्स मोड पे होने वाला है। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि BGMI में 3.0 का अपडेट कब आएगा, तो 3.0 अपडेट अपने को 25 जनवरी को BGMI में देखने को मिल जाएगा और एक आध दिन डिले हो सकता है ना, तो यार 25 तारीख यार कंफर्म है, ठीक है। एंड आई इंडिया मोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और चलो फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन में एक ग्लिच के बारे में बात करेंगे कि आप समझ लो कोई एनिमी दीवार के इस साइड 3 मीटर दूरी पे खड़ा है एंड आप हाथ में शैडो ब्लेड लेते हो और दीवार के इस साइड से शैडो ब्लेड चलाओगे ना, तो जो दीवार के उस साइड एनिमी खड़ा है ना यार उसको डैमेज होगा। तो ये देख लो यार यहाँ पे एनिमी नॉक हो चुका है। तो आप लोग इस वाले ट्रिक को, इस वाले ग्लिच को, इस वाले फीचर को तब यूज कर सकते हो जब कोई एनिमी दीवार से चिपक के कैम्प कर रहा है ना, तो फिर आप लोग दीवार के इस साइड रह के तलवार चला सकते हो और उसको नॉक फिनिश दे सकते हो। तो यार ये मेरे को कोई पबजी का ग्लिच नहीं लगता है, मेरे को ये फीचर लग रहा है क्योंकि यार ये तलवार काफी पावरफुल है, इसलिए इन लोगों ने ऐसा बनाया है इसको। अगर BGMI में ये ग्लिच फिक्स नहीं हुआ तो समझ जाना कि ये BGMI का एक फीचर होने वाला है। तो चलो यार अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले कैस्पर्स की सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आपको एंटीवायरस, गेम मोड एंड इंटरनेट सिक्योरिटी प्लस सिक्योर कनेक्शन एक्सेट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। अगर तो आप इसका गेम मोड ऑन करते हो तो ये आपके कंप्यूटर की गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है एंड भाई आपके FPS को भी ड्रॉप नहीं होने देता। एंड कैस्पर्स की के पास तो यार 25 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है लोगों को प्रोटेक्ट करने का। और तो और ये मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट अवॉर्डेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन है। और इस चीज को मैं सिक्योरिटी सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, सीधा एंटीवायरस क्यों नहीं बोल देता? ऐसा इसलिए कि एंटीवायरस का मतलब होगा कि आपके कंप्यूटर में से लोकल फाइल्स के वायरस को डिटेक्ट करना और उसको हटाना। बट हम लोग डिजिटल एज में है, मतलब हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा है। इमेजिन करके देखो कितनी वेबसाइट, कितने एप्स पर आप लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं जहां पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली होगी। और आज भी लोग सोचते हैं कि मुझे किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत, मैं तो यार किसी अनअवेयर लिंक पे क्लिक भी नहीं करता। लेकिन आपको याद ही होगा हाल ही में बहुत से गेमिंग चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कैस्पर्स की ऐसा सिक्योरिटी सॉल्यूशन ही चाहिए। और इतना ही नहीं, कैस्पर्स की में आपको बहुत सारे एडवांस प्रो फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि एक प्राइवेट ब्राउजर, इसके अंदर एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है स्टॉकवेयर नाम से, जिसके अंदर ये पता लगा सकता है कि कौन सी ऐप बैकग्राउंड में आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है और आपका सेंसिटिव डाटा चुराने की कोशिश कर रही है। तो भाई इस बात में कोई शक नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे थ्रेट्स भी एडवांस होते जा रहे हैं और इसीलिए हमें इनसे एक स्टेप अहेड रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में कैस्पर्स की का सिक्योरिटी सॉल्यूशन, जो आप खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और कोड INDMOL यूज करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से परचेस करो एंड स्टे सेफ। BGMI या फिर PUBG में जब भी यार हुक वाला सिस्टम आता है तो फिर अपन एक बार हुक से ब्रिज पे चढ़ना बताते हैं कि कैसे करना होता है। तो उसके लिए आपको स्काई ट्रेडर हुक को हाथ में पकड़ लेना है और यहाँ पे एम करके हुक को यूज करना है, फिर आप लोग आसानी से ब्रिज पे क्लाइंब कर जाओगे। और मेरे को नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा कि ब्रिज पे आप आके क्या क्या कर सकते हो। खैर अपन हर बार ये ट्रिक बताते हैं तो इस बार भी अपन ने इस वाली ट्रिक को कवर कर दिया। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग को तो पता होगा कि हम लोग जब किसी भी ऊंची जगह से नीचे जंप करते हैं ना तो फिर अपने को डैमेज होता है। तो यार इस पॉइंट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कहीं से भी जंप कर दो, आपको डैमेज नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ी हेल्थ अपनी फुल कर लेता हूँ और फटाफट से इस टावर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और फिर से जंप करके बताता हूँ कि आपको ट्रिक क्या लगानी है, ठीक है। अब अपन आ गए हैं फटाफट से टावर के टॉप पे और अब यहाँ पे इस रेलिंग पे खड़े हो जाता हूँ और सामने देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, जहाँ से आप नेड यूज़ करते हैं ना वहीं से आपको अपनी तलवार पकड़नी है, वो शैडो ब्लेड नहीं होती है वो पकड़ लेनी है। और अब आपको यहाँ से जंप लगाना है, किसी भी ऊंचाई से जंप लगाना है और डैश वाला बटन यूज़ कर देना है। मतलब नीचे आने से पहले आपको डैश वाला बटन यूज़ करना है। आप भाई कितनी भी ऊंचाई से जंप करो, बस नीचे आते समय डैश वाला बटन यूज़ कर देना, आपको डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि जो अपन प्रॉक्सी वॉल से अपना क्लोन बनाते हैं वो एनिमी देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तो आओ यही चीज अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोन बन चुका हूँ और सामने की तरफ दो एनिमी है, तो यहाँ पे मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं तुमको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो उन लोग बोलते हैं कि हाँ भाई तुम दिख रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को गोली मार। फिर वो जैसे ही मेरे को गोली मारता है तो मैं फट जाता हूँ और गायब हो जाता हूँ। तो फिर मैं सामने वाले एनिमी को बोलता हूँ कि भाई तू क्लोन का यूज कर और मेरे सामने आ, मैं देखता हूँ कि तू कैसा दिखता है। तो ये देख लो वो क्लोन का यूज करके मेरे सामने आ रहा है, तो देख लो यार ये ब्लू टाइप का दिखता है। और अपन जब इस क्लोन को गोली मारेंगे ना तो वो फटता है और अपने को हल्का सा झटका लगता है, अपन पीछे आ जाते हैं और उसके फटने से अपने को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होता है। अब भाई लोगों को एक और चीज कंफ्यूज कर रही होगी तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि अब समझ लो मैं अपना एक क्लोन बनाता हूं, ठीक है। और अब इस क्लोन को न मार के एनिमी मेरे ओरिजिनल प्लेयर को मारेगा तो क्या होगा, तो मैं उसको बोलता हूं कि हां ठीक है
अब मेरे ओरिजिनल प्लेयर को मार दे और देखते हैं कि क्या होता है। तो वो जैसे मेरे ओरिजिनल प्लेयर को मारता है तो फिर मेरा क्लोन अपने आप गायब होके मैं रियल में आ जाता हूँ। तो घुमा फिरा के यही है कि जब भी आप ये प्रॉक्सी वॉल यूज करते हो ना, तो कवर ओवर में जाके यूज करना। अगर कवर में जाके यूज नहीं करोगे तो अगर कोई एन में आपके ओरिजिनल प्लेयर को मारेगा ना, तो भाई आप कहीं के भी नहीं रहोगे, मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। BGMI में शेडो फोर्स मोड अभी तक नहीं आया है, तो यार बहुत ही कम कमेंट आए थे इस इवेंट से रिलेटेड। तो एक ऐसा कमेंट आया था कि आप प्रॉक्सी वॉल 3 से ज़्यादा नहीं उठा सकते, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉक्सी वॉल पड़े हैं और यहाँ पे देख रहे हो मैं कितने उठा रहा हूँ। तो अभी 5 उठा लिया हूँ, यहाँ पे और 5 पड़े हैं, देखते हैं कि और उठा पाते हैं या फिर नहीं। तो यार आप प्रॉक्सी वॉल अनलिमिटेड उठा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस 5 ही उठा सकते हो। तो हमारे भाई बोल रहे थे कि आप बस 3 उठा सकते हो, तो यार उनकी मिथ बस्टेड है, हम लोग अनलिमिटेड उठा सकते हैं ये प्रॉक्सी वॉल। तो यार ये वाला मोड जब BGMI में आ जाएगा ना, तो फिर जो भी कमेंट आएगा अपन सारे कमेंट को पिक करेंगे और फिर एक मिथ वाली वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो फिर अभी तो मिथ वाली वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि यार बहुत ही कम कमेंट आ रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। योले ट्रिक करने के लिए आपके पास स्काई ट्रेडर हुक होना चाहिए, बस आपको स्काई ट्रेडर हुक हाथ में पकड़ लेना है। अब जहां से हुक को यूज करते हो ना, वहीं पे स्वाइप अप करना है, मतलब उसी बटन को दबा के स्वाइप अप करना है। बस आपको क्या करना है, ऐसा स्वाइप अप, ठीक है ना। तो अब तैयार हो जाओ, यूज करके बताता हूं। तो ये देखो, स्वाइप अप किया और एक और बार दबा दिया, तो फिर आप लोग ऐसा ऊंचा हवा में उड़े गए, समझ रहे हो भाई। कुछ भी नहीं करना है, काफी आसान है, एक बार अभी भगते भगते आपको करके बताता हूँ। तो जहां से आप ये हुक यूज करते हो ना, उसी वाले बटन को स्वाइप अप करना है और एक और बार दबा देना है, फिर आप लोग ऐसा ऊंचा उड़ोगे जैसा मैं अभी उड़ रहा हूं। फिर आप लोग आसानी से एक कर सकते हो कि जैसे कि आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, इसका काउंटडाउन खत्म होने दो, फिर आप एक बार हुक यहां पे यूज करो और एक और बार यूज करो, तो फिर आप लोग इतना ऊंचा उड़ोगे। तो जो स्वाइप अप वाला है ना, वो ज्यादा ऊपर तक जाता है, और जो ये रेगुलर वाला है, तो फिर मतलब जमीन पे यूज करो और एक और बार यूज कर दो, तो वो थोड़ा सा नीचे ही रहता है, मतलब ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता है, देख रहे हो। ये तो अभी ठीक ठाक ऊपर गया है, लेकिन आप जब भी जमीन पे हुक को यूज करके एक और टैप करोगे ना, तो यार नीचे ही नीचे आप रहोगे। अगर आप स्वाइप अप वाला यूज करते हो, मतलब कि भगते भगते स्वाइप अप करके एक और टैप करते हो ना हुक पे, तो फिर अच्छा खासा आप ऊपर जाते हो। तो फिर आपकी मर्जी, आपको जो वाला भी यूज करना है आप लोग वो वाला यूज करो। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि जो अपना शैडो ब्लेड है उसका डैश वाला पावर का यूज करके आप नदी को क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर मैं पहली बार ट्राई करता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वापस से ट्राई किया जाए, क्या पता कुछ गलती हो गई होगी। तो अब काउंटडाउन खत्म होने देते हैं, और इस बार ना भाई यहाँ से ऐसा भग के जाते हैं, जंप करते हैं और डैश मारते हैं, ये बात। और अभी भी मैं इस नदी को क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि यार इसका जो डैश वाला डिस्टेंस है वो काफी कम है। अगर आप लोग इस नदी को थोड़ा सा जल्दी क्रॉस करना चाहते हो, तो फिर आप लोग इस तलवार का डैश वाला ऑप्शन यूज करके इस नदी को थोड़ा सा, मतलब कुछ सेकंड पहले क्रॉस कर सकते हो। वैसे तो यार ये ट्रिक इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर नदी के उस साइड आप कोई एक नॉक निकालते हो तो फटाफट के लिए ये ट्रिक कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आप लोग शैडो फोर्स मोड खेल रहे रहोगे ना, तो फिर आपको घरों में कुछ ऐसा दरवाजा देखने मिलेगा, एंड आप अगर इस पे एक गोली मारोगे ना, तो ये दरवाजा ओपन हो जाएगा एंड इसके अंदर एक बक्सा होगा जिसको खुलने में कुछ 5 सेकंड लगेंगे। और भाई इसके अंदर एक बंदे के लिए लूट मिल जाएगी अच्छी खासी, मतलब कि हुक, तलवार या फिर प्रॉक्सी वॉल मिल जाएगा, तो आपको फटाफट से उठा लेना है। तो यार ये जब अपडेट BGMI में आएगा ना, तो फिर ऐसा मत सोचना कि यार ये दरवाजा ओपन नहीं होगा, बस भाई आपको इस दरवाजे पे एक गोली मार देना है या फिर इस दरवाजे से बस टच होना है। जैसे आप इस दरवाजे से टच हो गए ना, तो ये दरवाजा अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये आपकी जानकारी के लिए था, इन्फॉर्मेशन के लिए था कि भाई BGMI में जब ये आएगा, मतलब इवेंट आएगा, फिर उसके अंदर आप जाओगे दरवाजा देखोगे, तो फिर आप सोचोगे कि दरवाजा कैसे खुलेगा, तो एक गोली मार के खोल लेना दरवाजे को, या फिर बस दरवाजे से चिपकना, दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब भाई फटाफट से आपको किसी भी शॉप पे आ जाना है, और यहाँ से आपको 5 टोकन में मिल जाएगा ये फुल ऑटो मोड वाला एक अटैचमेंट, आपको इसको परचेस कर लेना है। ये आपके DMR गन में अटैच हो जाएगा, जैसे कि SKS मिनी 14, MK12, SLR, QBU, ये सारी गन ऑटो पे तो नहीं चलती है, लेकिन अगर आप लोग ये वाला अटैचमेंट परचेस करके अपनी DMR गन में लगा लेते हो ना, फिर आप लोग DMR गन को ऑटो पे चला सकते हो। तो देख रहे हो भाई, मिनी 14 को मैं यहाँ पे ऑटो पे चला रहा हूँ, तो यार जैसे बंदे DBS से घबराते हैं ना, वैसे ही आपकी इस DMR गन से भी घबराने लगेंगे जब आप उन्हें ऑटो पे चलाओगे। ये जो हम DMR गन के अंदर एक अटैचमेंट लगा के ऑटो पे चला पा रहे हैं ना, ये वाला फीचर BGMI में पहले ही आ चुका था, लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में इस वाले पॉइंट को कवर नहीं करा था, इसलिए मैंने इस वाले वीडियो में इस पॉइंट को कवर कर दिया है कि आप लोग DMR गन को भी ऑटो पे चला सकते हो, ठीक है ना। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब भाई यहाँ पे अपना प्लेन उड़ चुका था, और जब मैं यहाँ पे प्लेन पाथ देखता हूँ ना, तो पता चलता है कि जो अपना
वो नया वाला आइलैंड है ना, वहाँ तक जा रहा है अपना प्लेन पाथ। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना भाई वहीं पे जाया जाए, उस आइलैंड पे जाया जाए। तो यहाँ पे मैं जब जूम करके देखता हूँ ना मैप में, तो अपने को आइलैंड नहीं दिखता है। तो फिर मैं एक अंदाजे से अपना एक मार्क लगा लेता हूँ कि आइलैंड यहीं पे कहीं पे है, ठीक है ना। अब यहीं पे मैं जाऊँगा आइलैंड पे कि हम लोग आइलैंड पे जा पाते हैं या फिर नहीं। तो अब वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और फटाफट से जंप लगाते हैं एंड देखते हैं आइलैंड पे जा पाएंगे या फिर नहीं। अब यहाँ पे अपन ने प्लेन से जंप लगा लिया है और अभी भी यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। और भाई मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वहीं पर आइलैंड होगा, क्योंकि मैप में आइलैंड नहीं दिख रहा है। तो भाई मेरा अंदाजा सही है बिल्कुल, वहाँ पे मेरे को आजू बाजू पत्थर दिख गए हैं, मतलब कि कंफर्म वहीं पे आइलैंड है। तो यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और फटाफट से वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि अपन जा पाएंगे या फिर नहीं। अब भाई जैसे ही मैं इस आइलैंड के नज़दीक आता हूँ ना, तो भाई मेरा प्लेयर FPP स्विच हो जाता है, मतलब कि FPP मेरे को दिखने लगता है और मेरा कैरेक्टर नहीं दिखने लगता है। तो मैं इससे समझ जाता हूँ कि भाई इसके आजू बाजू इनविजिबल वॉल है, अपन इसके आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं जा पा रहा हूँ। तो अभी धीरे धीरे करके मैं पानी में गिर जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इनविजिबल वॉल आ गई है जिसकी वजह से मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप लोग देख लो भाई, मैं स्प्रिंट लॉक कर दिया हूँ तो भी मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना यार पानी के नीचे से जाया जाए, लेकिन भाई पानी के नीचे भी वो इनविजिबल वाली शील्ड लगी हुई है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो यार आप लोग यहाँ पे आने में अपना टाइम मत खराब करना, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया है कि आप लोग इस आइलैंड पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर कोई फ्यूचर में ग्लिच व्लिच आता है इस आइलैंड पे जाने का, तो आपको INDMOL चैनल पे देखने मिल जाएगा। तो यार सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। एंड आप लोग ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यार फॉलो कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और भाई जैसे ही अपने इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तो फिर अपन एक क्यू एंड ए वीडियो कर लेंगे एंड फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो क्यों लेट आती है। पहले वीडियो रेगुलर आती थी, अब लेट आती है, ऐसा क्यों है? और इंस्टाग्राम पे मैं 5000 फॉलोअर्स के लिए क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये सारी बातें क्यू एंड ए में कवर कर दूंगा। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।